गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं बात करने वाला हूँ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है स्पेशल फीचर्स ऑफ अ कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इसके बारे में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप स्टडी कर रहे हैं बीकॉम की तो आप प्लीज हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, जिसमें आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको असाइनमेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा जो आपको सबमिट कराना होता है। साथ ही साथ आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। और अगर आप हमसे नोट्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी आपको जो है 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट इफ यू विल टेक आवर मेंबरशिप। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस जाने वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर बीकॉम में जाना है और यहाँ एक छोटा सा नॉमिनल सा फी पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक आपको दिखेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है असाइनमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर से बता देता हूँ, असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको बहुत ही सस्ते दामों पे एक तरीके से नोट्स मिल जाएंगे और व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7। आप जब भी स्टडी करें तो प्लेलिस्ट में आए, हमारा प्लेलिस्ट जो है इग्नू बीकॉम न्यू के नाम से है, नया वाला जो कोर्स स्टार्ट हुआ है इग्नू की तरफ से, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जिसके अंदर बहुत सारी वीडियोज है, जिनको अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स बहुत ही अच्छे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ अ कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो सबसे पहला फीचर जिसके बारे में अभी बात करने वाला वो है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट शोइंग ग्रॉस प्रॉफिट। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स ऑल द आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड शोज द नेट प्रॉफिट, है ना। तो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे मतलब जरूरी नहीं होता, यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा करके जो भी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसको शो करके आप नेट प्रॉफिट को वहाँ पे शो कर सकते हो। इसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है जहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट को दिखाया जाता है, बिकॉज इट इज अ कंपनी अकाउंट, राइट। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक अ ट्रेडिंग अकाउंट, यू कैन ओनली मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन विच यू विल इंक्लूड ऑल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स एंड यू विल फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज आफ्टर नेट प्रॉफिट इज एसर्टेन्ड द डिस्ट्रीब्यूशन और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज शोड इन द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस नोन एज द बिलो द लाइन, है ना। तो जब आपने नेट प्रॉफिट एसर्टेन कर लिया तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो आपको सेकंड लाइन में शो करना है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, जिसको हम बिलो द लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आपने प्रॉफिट असर्टेन कर लिया, फिर आपने अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपने करना है। अप्रोप्रिएशन मतलब आपको बहुत सारे रिजर्व में पैसे डालने होते हैं, समटाइम्स खर्चे करने होते हैं, हाँ। तो उस तरह के पार्टनर्स में लाइक जो भी मेंबर्स हैं उनमें सपोज आपने कुछ बांटा, किसी को सैलरी कुछ दी, है ना, तो उस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। फॉर दैट दैट पर्टिकुलर अकाउंट विल बी नोन एज बिलो द लाइन। इन दिस पार्ट द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स ईयर इज एडेड टू द करंट ईयर्स प्रॉफिट। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो बैलेंस होता है लास्ट ईयर का उसको आप फॉरवर्ड करके लेकर के आते हो इस ईयर के करंट प्रॉफिट के साथ एड करने के लिए, दोनों को आप एड कर देते हो, ठीक है ना। सो डिविडेंड प्रपोज्ड टू बी पेड टू द शेयर होल्डर्स एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज द टू मेन आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पैसे आपको ट्रांसफर करने हैं, तो सपोज आपने जो पैसे प्रॉफिट कमाए उसमें से आपको डिविडेंड अगर अपने शेयर होल्डर को देना है तो आप अपने प्रॉफिट से निकाल के दोगे ना, तो वो करने के लिए प्लस जो जनरल रिजर्व होता है उसमें कुछ पैसे आपको ट्रांसफर करने हैं, तो उसके लिए ये जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ये दो आइटम जो है वो मेन आइटम्स होते हैं, ठीक है। द फाइनल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज शोन इन द बैलेंस शीट। तो जो फाइनल प्रॉफिट आपका हुआ है वो आपको सारी कुछ डिडक्ट करके जो है आपको अपने बैलेंस शीट में शो करना होता है। थर्ड पॉइंट, द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर मस्ट बी शोन इन अ सेपरेट कॉलम अलोंगसाइड द प्रोस्पेक्टिव फिगर ऑफ द करंट पीरियड। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात बोली गई, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रीवियस ईयर का जो भी आपका फिगर्स है उसको आपको शो करना पड़ेगा आपके करंट ईयर के फिगर के साथ में। करंट ईयर की जो भी डिटेल्स होंगी, अमाउंट्स होंगी, उनको आपको प्रीवियस ईयर का वाला जो है उसको करंट ईयर के साथ में आपको शो करना जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। सिंस वेरियस डिटेल्स रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर मस्ट बी शोन एज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट, अ समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड डिटेल्स ऑफ आइटम्स आर शोन सेपरेटली
इन द फॉर्म ऑफ एनेक्सेस, है ना। तो यहाँ पे देखो जो भी डिटेल्स आप लिख रहे हो, जो भी इनकम एक्सपेंडिचर आप लिख रहे हो, उसके बारे में डिटेल्स आपको डालनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको सारी की सारी डिटेल्स डालनी है एज पर द यू नो जो रिक्वायरमेंट है एक्ट के अकॉर्डिंग, आपको सारी डिटेल्स डालनी होती है। तो आपको एक समराइज प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है ना। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बना करके तो आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी नहीं ना, कि कहाँ से आया, किस चीज के लिए आया, ये तो आपको पता नहीं चलता। तो उस केस में आपको एनेक्सर्स बनाने होते हैं, मतलब साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, एनेक्सर वन, एनेक्सर टू, एनेक्सर थ्री, इस तरीके से करके आपको एनेक्सर बना करके यू नो अपने आइटम्स को वहां पे मेंशन करना होता है और उसको अलग से दिखाना होता है एनेक्सर्स में, है ना। समराइज प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड जो आइटम्स होंगे उनके लिए आप एनेक्सर्स बनाओगे, राइट। तो दिस इज द फोर्थ फीचर। Now the fifth feature is the form of presentation may be verbal, vertical or horizontal. It is not necessary to write to or buy on the two sides when the account is prepared in horizontal form. है ना। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अकाउंट जो है दो तरीके से बनाया जा सकता है। आपने कंपनी अकाउंट देखा भी होगा, है ना, उसमें जो बैलेंस शीट होता है वो आपका यू नो हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरह के होते हैं, और आपको टू और बाई, जैसे कि हम लोग अकाउंट में लिखते हैं टू ये बाई वो, है ना, इस तरीके से लिखते हैं, तो वो आपको हॉरिजॉन्टल अकाउंट में लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। टू और बाई आपको मेंशन नहीं करना होता है, वर्टिकल वाले में आप कर सकते हो, राइट। दीज आर द फाइव इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ यू नो स्पेशल फीचर्स ऑफ अ कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन ठीक तरीके से होते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।